Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्र आपके साथ, और आज हम बात करने जा रहे हैं 30th मई की करंट अफेयर्स की। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पैटर्न हमारा सेम रहेगा, स्लाइड हमारे सामने आएंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, और बाद में उसके मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा रैंडमली जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ है। ठीक है, देखो, Where is a Brahmaputra study center going to be set up by the central government? Means, केंद्र सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पहले तो हम इसके सेंटर की बात करते हैं, सेंटर में क्या होगा एग्जैक्टली में ब्रह्मपुत्र नदी में लगातार जो फ्लड आता है उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिसर्च सेंटर खोल रही है। कहाँ ओपन कर रही है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। यानी पाँचों ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिख रहा है चौथा ऑप्शन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, जो कि बिल्कुल सही हमारा आंसर होगा। तो फिर से समझ लो, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रह्मपुत्र स्टडी सेंटर ओपन करने जा रही है ताकि हम पहले से ही ब्रह्मपुत्र से जो नुकसान होता है उसे हम पहले से ही कंट्रोल कर पाए, मेजर कर पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज विथ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री साइंड अ MOU टू मैनेज शेल्टर होम फॉर विडोज। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के साथ विधवाओं के लिए आश्रय घर का प्रबंधन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान कर देना है कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात हो रही है। तो वेल, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में MOU साइन हुआ है जो विडोज़ हैं उनके लिए शेल्टर होम के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये शेल्टर होम कहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये शेल्टर होम इस्टेब्लिश किए जाएंगे वृंदावन में, और ये जो MOU है इसका टेन्योर है दो साल के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लस उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, किस चीज़ के लिए? यहाँ पर जो विडोज वुमेन है इनके शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा और हम बढ़ रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। आवर थर्ड क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन स्टेट गवर्नमेंट, और मैंने हमेशा आपसे बोला है जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई नया पोर्टल, कोई नया एप्लीकेशन डेवलप करती है या लॉन्च करती है तो वो हमेशा एग्जाम के लिए ज़रूरी रहा है। क्वेश्चन क्या है और देखते हैं एक बार। देखो, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर राशन कार्ड होल्डर्स अंडर द नेम ई पी डी एस? किस राज्य ने EPDS नाम के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है और क्या पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है फॉर राशन कार्ड होल्डर। अब यहां पर पांच ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं और इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो आपको लर्न कर लेना है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है किनके लिए? जो राशन कार्ड होल्डर हैं। इस एप्लीकेशन से आप अपने ट्रांजैक्शन को वॉच कर सकते हो। अगर कोई कंप्लेन है, आपको सीधे ऑफिसर से कंप्लेन करनी है तो आप यहाँ पे अपने कंप्लेंस रजिस्टर्ड करा सकते हो, या कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप इस एप्लीकेशन से सजेशन भी दे सकते हो। तो ये एप्लीकेशन जो है वो सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। तो ये एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बन सकता है। मैंने हमेशा बोला है एप्लीकेशन, पोर्टल्स, ये सारे एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं कि क्या MOU है, इंडियन गवर्नमेंट किस कंट्री के साथ ये MOU साइन कर रही है। क्वेश्चन को देखेंगे तो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन देखें, विथ हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज इंडिया साइंड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, हिंदी में दुनिया के कितने देशों के साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 18, फोर्थ ऑप्शन 18। मीन्स इंडिया ने 18 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमें अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलना होगा। स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है और इस पर तीन पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट को हमें फोकस करना है। ठीक है, पहला पॉइंट,
इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू स्टार्ट फॉर्मल नेगोशिएशन ऑन अ बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट. ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने की बात की है, तो वह चाइना. तो इंडिया और चाइना इस पर रेडी हो गए हैं. अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, रेडी हो गए हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट. सो फॉर इंडिया हैज साइंड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विथ 18 कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी ये तो हमें क्लियर ही है कि इंडिया ने कुल 18 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे साइन किया है. थर्ड पॉइंट, द बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स स्किल्ड वर्कर वर्किंग एब्रॉड. इसका मीनिंग जो भी इंडिया के पेशेवर लोग हैं जो वर्क करते हैं अब्रॉड में, या जो स्किल्ड वर्कर हैं जो अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं, इनके हितों की रक्षा करने के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे साइन होता है. ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. करंट अफेयर्स में एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरोइंग करती है, डेप्ट लेती है, तो ये पॉइंट हमेशा एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है. और जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. तो आओ देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है. इंडिया विल यूज़ इट्स 217 million US dollar लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक to finance public financial management in which state? हिंदी में, भारत किस राज्य में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के 21.7 million American dollar के ऋण का उपयोग करेगा. यानी कि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से इतना अमाउंट लोन लिया था और इंडिया किस स्टेट में इसका यूज़ करेगा, ये क्वेश्चन है सिंपल सी लैंग्वेज में. यहाँ पर हमें जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं आंसर सीधा क्या है, राजस्थान. तो इंडियन गवर्नमेंट राजस्थान में इस अमाउंट का यूज़ करेगी. एग्जैक्टली में राजस्थान में जो बजट सिस्टम होता है ना, देखो बेटा बजट का मतलब होता है रेवेन्यू आपकी कितनी आ रही है और आप कितना पैसा खर्च करने वाले हो, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनका जो ये रेवेन्यू है और जो इनके एक्सपेंडिचर्स हैं, इसके बीच में गैप आ गया है. तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं, जो पैसे खर्च करने हैं, तो बेटरली पैसे को वो खर्च कर सकें, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है. सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है. इतना समझ लो कि इंडियन गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था उसे राजस्थान गवर्नमेंट को दे रही है ताकि जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उसे वो अच्छे से खर्च कर पाएँ और अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर पाएँ. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डेज. आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक का, चाहे SSC CGL का, हर एग्ज़ाम में डेज से क्वेश्चन बनते हैं. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. क्वेश्चन है, May 29 इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली एज, हिंदी में, 29th May को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस रूप में मनाया जाता है. मीन्स आपको 29th May को क्या मनाया जाता है, ये आपको आंसर देना है. यहाँ पर पांच ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस. यानी आपको लर्न कर लेना है कि 29th May को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स. अच्छा, इसके और क्या एडिशनल पॉइंट होंगे, जस्ट लाइक थीम, या ये कब से शुरू हुआ, उसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे स्क्रीन पे आ चुकी हैं, लेकिन आपको सारे पॉइंट पर फोकस नहीं करना है. एग्जाम के लिए बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है. आपको फोकस करना है केवल सेकेंड पॉइंट पर, थीम पर. थीम ऑफ इंटरनेशनल डे of United Nations Peacekeepers 2018 is United Nations Peacekeepers 70 years of service and sacrifice. इस पॉइंट को आप लर्न कर लो, एग्जाम में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा. वैसे ये क्यों डे मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो भी मेल फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये मनाया जाता है. ये पहले पॉइंट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है. इस क्वेश्चन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट. और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट की बात हो रही है वो नेशनल लेवल पे हो रही है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं NCDRC. ठीक है, तो हिंदी में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. इसे लर्न कर लेना. आंसर क्या है इसका, आंसर इसका है जस्टिस आर के अग्रवाल. तो जस्टिस आर के अग्रवाल को
एनसीडीआरसी का क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि एनसीडीआरसी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है और जस्टिस आर के अग्रवाल ने किसको रिप्लेस किया है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो एनसीडीआरसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1988। ये वर्क क्या करते हैं, तो कस्टमर के जो भी राइट्स हैं या फिर जो भी कस्टमर के डिस्प्यूट हैं, ग्रीवांसेज हैं, उसको रिड्रेसल करने काम एनसीडीआरसी करती है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मिस्टर आर के अग्रवाल ने, इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर डी के जैन को, ये यहाँ पे मिस्टर डी के जैन को। ये हो गई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है और देखते हैं एक बार। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मींस उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन आपके और आपसे और भी होंगे कि ठीक है ये तो क्या पॉइंट हो रहे हैं, ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हो रहे हैं तो हमारे कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, ठीक है। अच्छा, जिस पर्सन का नाम आप लेंगे आंसर में, ये अभी राइट नाउ क्या करते हैं, तो मतलब ऐसे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपको हम एक स्लाइड और देंगे। तो पहले हम आंसर पे आते हैं। यहां पर आंसर क्या है, यहां पर आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पंकज सरन। तो पंकज सरन को अपॉइंट किया गया है एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। पॉइंट आपके सामने है, पॉइंट में क्या क्या बातें हैं और देखते हैं एक बार। देखो, इंडिया इन्वॉय टू रशिया, पंकज सरन, यानी कि पंकज सरन अभी क्या है, रशिया में भारत के दूत हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यानी कि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मेरा पहला क्वेश्चन था कि मिस्टर पंकज सरन राइट नाउ क्या कर रहे हैं, तो ये रशिया में भारत के दूत हैं, ठीक है। ही सर्व्ड ट्वाइस इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दो बार वर्क किया है। कैसे, फर्स्ट एज डिप्टी सेक्रेटरी ड्यूरिंग 1995 एंड 1999, मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इन्होंने दो बार वर्क किया है। पहली बार एज अ डिप्टी सेक्रेटरी इन 1995 एंड 1999, ठीक है, एंड देन एज द ज्वाइंट सेक्रेटरी बिटवीन 2007 एंड 2012, 2007 में और 2012 में इन्होंने एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी वर्क किया है, ठीक है। हालांकि इतने ज्यादा डीप में पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक। He had held various position in India and abroad, including country's High Commissioner to Bangladesh. मतलब ये बांग्लादेश में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं और विदेशों में भी इन्होंने वर्क किया है। लास्ट पॉइंट, अजीत डोवाल इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो अब ये काम की बात आई, मैंने क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन मेरा, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो नाम कौन है, अजीत डोवाल जी हैं। तो इन दो पॉइंट पर आप ध्यान देना कि राइट नाउ ये क्या कर रहे हैं अभी, तो ये रशिया में भारत के दूत हैं और दूसरा पॉइंट, अजीत डोवाल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। बाकी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए, तो इसे यहाँ पे हम खत्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार अपॉइंटमेंट पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। हिंदी में, आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हम सीधे आंसर पे आ रहे हैं। आंसर क्या है हमारा, मिस्टर एमडी माल्या। तो एमडी माल्या को आईसीआईसीआई बैंक का एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, मिस्टर एमडी माल्या। तो एमडी माल्या से जुड़े कुछ पॉइंट और भी हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एमडी माल्या का इमेज आप यहां पर देख रहे हो, एमडी माल्या दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। और देखते हैं पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक हैज़ अपॉइंटेड एमडी माल्या एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, ठीक है, ये हमें क्लियर ही है। आईसीआईसीआई बैंक ने एमडी माल्या को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है एडिशनल। दूसरा पॉइंट, माल्या इन द पास्ट हैज़ सर्व्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि एमडी माल्या बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माल्या टेन्योर इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, इनका जो टेन्योर है, जो इनका अपॉइंटमेंट है, वो 5 साल के लिए होगा, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं बैंक के, ये उन पर भी डिपेंड करेगा, वैसे टेन्योर 5 साल ही रहेगा। इतने पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं, और हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेपन्स। क्वेश्चन क्या है और देखते हैं एक बार। नेम रशियाज मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग टर्म सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये क्वेश्चन मैं कल भी आपसे पूछ चुका हूँ, फिर से एक बार। रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम बताइए, ठीक है? तो आपको नाम बताना है, रशिया की बात हो रही है। एग्जैक्टली मैं ये क्यों सुर्खियों में है, बिकॉज जो मोदी गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूस नेगोशिएशन कर रही है इस मिसाइल के लिए रशिया से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर पहला ऑप्शन देखो, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल जो है ये है रशिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर को शॉर्ट में सैम भी बोलते हैं, ठीक है? तो इंडिया की लगभग डील फाइनल हो चुकी है रशिया से। ये मिसाइल इतनी ज़रूरी क्यों है, बिकॉज ये मिसाइल चाहे कोई क्रूज मिसाइल हो, चाहे कोई टैंक हो, चाहे कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे कोई ड्रोन हो, ये सब पर हमला कर सकती है और इसकी रेंज काफ़ी लंबी है। रेंज के बारे में मैंने कल के वीडियो में इन्फॉर्मेशन इसकी दी हुई है। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं स्लाइड के, और 10th क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो हमारी स्लाइड पर आ रही है। तो फ्रेंड्स 10 एडिशनल क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन एयरपोर्ट एज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट, ठीक है? हिंदी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने किस इंडियन एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया है एज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट, मतलब विश्व का पहला एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह से सोलर पावर पर बेस्ड है। और आंसर आपको यहां पर दिख रहा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश के केरला स्टेट में है, और यहां पर 46150 सोलर पैनल लगे हुए हैं, हालांकि इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का पहला सोलर बेस्ड एयरपोर्ट बन चुका है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखो, हु हैज वॉन द फॉर्मूला वन मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2018। फॉर्मूला वन का रेस हमेशा से एग्जाम के लिए जरूरी है, तो मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2018 किसने जीता, आंसर आपके सामने है, डेनियल रिकियार्डो। इन पर दो क्वेश्चन और इस तरह बन सकता है, डेनियल रिकियार्डो किस देश के कार रेसर हैं, आपको देश का नाम पूछा सकता है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डेनियल रिकियार्डो ऑस्ट्रेलिया के रेसर हैं, ठीक है? और ये किस टीम के लिए अपनी कार चलाते हैं, तो ये चलाते हैं बेटा रेड बुल के लिए। ये भी लर्न कर सकते हो आप रेड बुल के लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, IJU, यानी इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए, आंसर आपके सामने है, अमर देवुला पल्ली। तीन क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बैनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड इजिप्ट। किस देश ने यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, बहरीन और इजिप्ट के प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, आंसर क्या होगा, कतर। तो कतर ने इन देशों के प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, US एंड विच कंट्री विल टेक पार्ट इन मालाबार एक्सरसाइज इन गुआम। देखो गुआम जो है ये US के पास एक आइलैंड है, ध्यान देना, एक आपसे डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी कंट्री इसमें मिलके एक्सरसाइज करती हैं। दो तो नाम आपको पता है, एक है इंडिया, एक US, और तीसरा कौन सा है, जापान है। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलिया को नहीं बुलाया गया है, इन्विटेशन नहीं दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है इस बार। तो इंडिया, US एंड जापान, लर्न कर लेना। और ये एक्सरसाइज जून में होगी, कहाँ होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है गुआम में होगी, ठीक है? मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और बेटा ये नेवी का एक्सरसाइज है, इसे लर्न कर लेना, नेवी का एक्सरसाइज, ठीक है? RBI अलाउ दिस बैंक टू कंटिन्यू बैंकिंग सर्विसेज अंडर रिस्ट्रिक्शंस, आंसर देखो यहाँ पे, रुपी कोऑपरेटिव बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक को, बैंक का नाम क्या है, रुपी कोऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग सर्विसेज करने के लिए छूट दे दी है, बट अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस। और मैं आपको बताऊं, ये जो रुपी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका नाम मैंने सुना था सबसे पहले 2013 में। 2013 से लेकर 2018 तक इस पर 8 बार बैन लग चुका है, ठीक है? तो ये काफी सेंसिटिव बैंक है, रुपी कोऑपरेटिव बैंक, इसे लर्न कर लेना। सेवंथ क्वेश्चन, When was the International Missing Children Day observed
ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपको डे से क्वेश्चन है, आंसर क्या है 25th मई. फिर लर्न कर लेना 25th मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट स्लाइड आ रही है जहां पर अपने हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने आ रहे हैं. 8वां क्वेश्चन अपॉइंटमेंट पर बेस्ड है. द बोर्ड ऑफ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड विच पर्सन एज द डायरेक्टर. आंसर आपके सामने है सचिन वचानी. ठीक है, 9th क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द गज यात्रा कैंपेन बीन लॉन्च्ड. ठीक है, किस स्टेट में गज यात्रा कैंपेन को लॉन्च किया गया है. आंसर इज मेघालय, आपको यहां पे दिख रहा है. आवर लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एयरलाइन इज द सेकेंड चीपेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फ्लाइट प्राइसिंग रिपोर्ट. आंसर क्या है, ऑल इंडिया एयर इंडिया एक्सप्रेस. एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये एयर इंडिया की एक सब्सिडरीज है. ठीक है, तो यहां पर हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हमारे स्लाइड से और 10 क्वेश्चन जो मैंने आपसे एडिशनल पूछा था. ठीक है, तो यहां पर हमारा 30th में करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.